नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। बूथ हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हम सत्ता संगठन के समन्वय और बूथ की मजबूती के बल पर अब की बार 200 पार के लक्ष्य को हासिल करेंगे और पार्टी को मिलने वाले वोटों में 10% की वृद्धि करेंगे। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। मौका था भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाली जा रही सुशासन यात्रा के प्रतिनिधियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संबोधित करने का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रणी बना है। वहीं सुशासन की दृष्टि से मध्य प्रदेश उदाहरण बना है। प्रदेश में हमारी सरकार ने अनेक जनहितेशी योजनाओं को जमीन पर उतार कर सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में सुशासन यात्रा का स्वागत करता हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चे की सुशासन यात्रा विगत 21 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर पहुंची है। आज भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 40 कार्यकर्ता हमारे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई अभिनव प्रकाश जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल जी आज यहां पर 40 कार्यकर्ता पूरे देश भर के 9 राज्यों के मध्य प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सरकार में गुड गवर्नेंस सुशासन देने का काम किया उसका भी बेहतर आज अनुभव उन्होंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन जो ठाकरे जी जैसे व्यक्तित्व ने मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया है, एक कैडरबेस ऑर्गेनाइजेशन टीम स्प्रिट के साथ कैसे काम करता है, डिजिटल बूथ के अभियान से लेकर भारतीय जनता पार्टी के काम को सुदृढ़ बनाने का जो अभियान है उसको भी आज हमारे सभी मित्रों ने यहाँ समझने का काम किया है। इसलिए मैं सभी युवा मोर्चे के देश भर के कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज उन्होंने मध्य प्रदेश को 21 तारीख से लगातार मध्य प्रदेश के काम को और सरकार के गुड गवर्नेंस को जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है उसको समझने का प्रयास भी आज यहाँ पर किया है। हमारा सौभाग्य है कि कल देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायती राज दिवस के दिन पधार रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर के उत्साहित तो हैं ही। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरा मध्य प्रदेश बिंद क्षेत्र से लेकर के खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले वहां उतरेंगे, वहां से रीवा जाएंगे, तो पूरे बिंद बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश आज उत्साह उमंग के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों के लिए जुटा है। हमारा सौभाग्य है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश के अंदर हम सब लोगों को सौभाग्य मिलेगा। एक बात और, मैं आज मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।